मंगलवार को गोली मार कर की गई युवक की हत्या के बाद महिलाएं सड़कों पर धरने पर बैठी। रास्ता बंद हुआ फिरोजाबाद में मंगलवार की रात को हुए दो समुदायों के संघर्ष में अमित गुप्ता 27 वर्षीय की गोली लगने से मौत हो गई थी, दो अन्य घायल थे। आज पोस्टमार्टम होने के बाद परिवार तथा इलाके की महिलाओं ने सदर बाजार घंटा घर पर जाम लगा दिया। मृतक की मां रोते हुए सड़क पर लेट गई। पुलिस के अधिकारी समझाने में जुटे हैं, लेकिन सैकड़ों की तादाद में महिलाएं पुरुष सड़कों पर जमा है। ट्रैफिक बंद है, बाजार बंद है। इनकी मांग है कि उचित मुआवजा मिले तथा जल्दी ही हत्यारों की गिरफ्तारी हो। इधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 17 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, इसमें निष्पक्ष जाँच होगी। लेकिन जिस तरह से मंगलवार की रात 8 बजे एक गुट द्वारा दूसरे इलाके में जाकर पथराव, आगजनी, पेट्रोल बम, कई राउंड फायरिंग की गई है, उसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। फिलहाल लोगों में पुलिस के प्रति भारी गुस्सा व्याप्त है। चौबीस घंटे में कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। पुलिस